समूहीकरण एवं वर्गीकरण की प्रक्रिया, ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। क्रियाकलाप तीन। हम रोजाना कई तरह की वस्तुएं अपने आसपास देखते हैं। इन्हें विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाने के लिए अलग अलग समूह भी बनाते हैं, जैसे रसोई का सामान, खेल से जुड़ा सामान आदि। यहाँ कुछ वस्तुओं की सूची दी गई है, जैसे प्लास्टिक का स्केल, पुस्तक, पेन, परख नली, लकड़ी का गुटका, लेंस, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा, रबर की गेंद, बल्ला, रस्सी, सुई, लकड़ी का स्केल, पेंसिल आदि। इन सभी वस्तुओं को उनके गुण के आधार पर सारणी क्रमांक तीन में भरें। आपने समूह बनाते समय वस्तुओं के किन किन गुणों को ध्यान में रखा? कौन सा ऐसा समूह है जिसमें आप अधिकतम वस्तुओं को साथ में रख पाएं? किसी विशिष्ट गुण के आधार पर ऐसा समूह बना जिसमें बहुत कम वस्तुएं थीं। आपने देखा, एक समूह की सभी वस्तुओं में कोई एक गुण समान होता है। इसी समान गुण को हम समूह का गुणधर्म कहते हैं। रबर की गेंद, बल्ला, रस्सी, समतल दर्पण आदि का उपयोग हम खेलने में करते हैं। अतः खेलने में उपयोग गुणधर्म के आधार पर हम इन्हें एक समूह में रख सकते हैं। उपर्युक्त वस्तुओं के गुणों को पहचानने के लिए हमने कई आधार चुने। ये वस्तु का आकार, वस्तु किस चीज़ से बनी है व उसका उपयोग आदि हो सकते हैं। इसी प्रकार हम अन्य आधारों पर भी वस्तुओं के गुणों को पहचान सकते हैं। इस प्रकार किसी एक गुण में समानता के आधार पर बनाए गए समूह को समूहीकरण या समूह बनाना कहते हैं। समूहीकरण में एक वस्तु दो या दो से अधिक समूहों में आ सकती है। हम इन्हीं वस्तुओं का वर्गीकरण दो आधार पर कर सकते हैं। कुछ वस्तुएं जैसे प्लास्टिक का स्केल, पुस्तक, पेन, परख नली, लकड़ी का गुटका, लेंस, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा, रबर की गेंद, बल्ला, रस्सी, सुई, लकड़ी का स्केल, पेंसिल, इन सभी वस्तुओं को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, लकड़ी से बनी वस्तुएं, जिसके अंतर्गत हम लकड़ी का टुकड़ा, बल्ला, पेंसिल, लकड़ी का स्केल, पुस्तक आदि को शामिल कर सकते हैं, एवं वे वस्तुएं जो लकड़ी से नहीं बनी हैं, जैसे परख नली, लेंस, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा, सुई, रबर की गेंद, रस्सी, प्लास्टिक का स्केल, पेन। वे वस्तुएं जो लकड़ी से नहीं बनी हैं, इन्हें पुनः हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, कांच से बनी वस्तुएं, जैसे परख नली, लेंस, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा। दूसरा, वे वस्तुएं जो कांच से नहीं बनी हैं, जैसे सुई, पेन, प्लास्टिक का स्केल, रबर की गेंद, रस्सी। इस दूसरे तरीके में एक विशेष प्रकार का समूहीकरण किया गया है। इसमें प्रत्येक स्तर पर ऐसे समूह बनाए गए हैं जिनका आधार गुण विशेष की उपस्थिति व अनुपस्थिति है। इस प्रकार से किए गए समूहीकरण को वर्गीकरण कहते हैं। इसमें हम वस्तुओं को वर्गों में बांटते हैं। एक वर्ग की सभी वस्तुओं में अधिक से अधिक समानताएं होती हैं और उन्हें अन्य वर्ग में नहीं रखा जा सकता है। समूहीकरण व वर्गीकरण का उपयोग हम सभी विषयों में करते हैं, जैसे कि पदार्थों का, विलयनों का, मिट्टी का, बलों का, जीवों का वर्गीकरण। इन सभी के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। आइए हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जीवों की विविधता और समानताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण समय के साथ किस तरह आगे बढ़ा।